हाय गाइस, क्या आपको पता है मून यानी कि चंद्रमा पे 12 हजलब्लेड कैमरा रखे हुए हैं। आज मैं आप लोगों को इस 12 हजलब्लेड कैमरा की कहानी बताता हूँ। 1962 में नासा जब मर्क्यूरी प्रोग्राम के तहत स्पेस में जाने की तैयारी कर रहा था तो उनको लगा कि हम स्पेस में जाने के बाद कुछ फोटोग्राफ्स खींचे, लेकिन स्पेस का जो वेदर होता है ये बहुत अलग होता है, क्योंकि वहाँ पर अपना जो अर्थ को जो एटमॉस्फेयर का लेयर होता है वो बिल्कुल नहीं होता है। जो सनलाइट होती है उस एरिया में लगभग 120 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर होता है, और जहाँ पर छांव होती है वहां पर -65 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर होता है। तो ये बहुत ज्यादा वेरिएशन होता है, और ग्रेविटी नहीं होती है तो नेचुरली क्या हो जाता है, वहां पर के बहुत सारे जो सूरज से आने वाले हार्श रेज होते हैं वो रेज को झेलने वाली चीजें बनाना बड़ा डिफिकल्ट होता है। लेकिन इस चैलेंज को हजलब्लेड वालों ने एक्सेप्ट किया था, और उन्होंने इनके लिए 500C नाम का एक कैमरा स्पेशली बना कर दिया था। तो ये लोगों ने पहली बार 1962 में हजलब्लेड कैमरा लेके स्पेस में गए थे और कुछ फोटोग्राफ्स भी निकाल के आए। लेकिन ये सिलसिला यहाँ तक थमा नहीं है। 1965 में जेमिनी मिशन के जरिए स्पेस में गए थे, तो ये स्पेस में हजलब्लेड के जो कैमरा लेके गए उससे पहली बार स्पेस वॉक के फोटोग्राफ्स भी निकाले थे। जब इन्होंने अपोलो मिशन स्टार्ट किया था मून पे जाने के लिए स्पेशली, तो अपोलो 8 से लेके अपोलो 11 तक ये हर बार कैमरास लेके जाते थे। जब अपोलो 11 20 जुलाई 1969 को मून पर उतरा था तब भी हजलब्लेड के दो कैमरा साथ में ले गए थे, एक हजलब्लेड डाटा कैमरा और एक और था हजलब्लेड इलेक्ट्रिक कैमरा। तो ये दोनों कैमरास से इन्होंने काफ़ी अच्छे फोटोज निकाले। इन कैमरास के ऊपर कार्ल ज़ाइस के लेंसेस लगे हुए थे, एक पे 80mm और एक पे 60mm का लेंस। हजलब्लेड के कैमरास पे 12 फोटोग्राफ्स निकालने लायक ही फिल्म रोल आता था, लेकिन इन कैमरास को स्पेशली बनाया गया था क्योंकि ये मून पे जाने वाले थे। इनका जो ऊपर का कवर है वो वहाँ के वेदर के हिसाब से बना हुआ था, पूरी तरह से बदलाव किया हुआ, और ये कैमरा के अंदर जो रोल डाला जाता था उसमें 70 फोटोग्राफ्स आते थे, 12 के जगह में 70 फोटोग्राफ्स। तो इस तरह से ये लोगों ने स्पेशल रोल भी बनाए थे, और बहुत ब्यूटीफुल इमेजेस अपोलो 11 के हमको देखने मिलते हैं। उसके बाद ये लोग जब भी अपोलो मिशन के जरिए अपोलो 11 से अपोलो 17 तक जब भी मून पे गए हजलब्लेड कैमरा लेके जाते थे, और वापस आते समय स्पेसक्राफ्ट के वजन को कम करने के लिए इन्होंने जो भी कैमरास लेके गए वहीं पर छोड़ कर आ गए। इस तरह से अपोलो 11 से लेके अपोलो 17 तक जब भी मून पे ये लोग जा चुके थे हर बार वहां पर कैमरा छोड़ के आते थे। इसी तरह से वहां पर आज 12 हजलब्लेड कैमरा मून के ऊपर अवेलेबल है। तो ये थी मजेदार कहानी, और होप आपको ये कहानी पसंद आई होगी। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, और इसी तरह से फोटोग्राफी से रिलेटेड नई नई बातें जानते रहिए। सी यू सून।